कूड़ा घर के खिलाफ यूकेडी ने किया प्रदर्शन। डोईवाला के मानस विहार के ग्रामीणों ने आज कूड़ा घर पर जोरदार प्रदर्शन किया और नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमाल ने उपस्थित अधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश जताया। इसके साथ ही कूड़ा घर से होने वाली परेशानियों का निस्तारण करने की मांग करते हुए अल्टीमेटम दिया कि अगर एक हफ्ते में इन समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो फिर ग्रामीणों द्वारा कूड़ेदान को स्वयं ही हटा दिया जाएगा। इस पर नगरपालिका प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हर दूसरे दिन कूड़ा घर के आसपास के घरों के छिड़काव किए जाएंगे और कूड़ा घर की गंदगी से बचने के लिए कूड़ा घर पर छिड़काव होगा। नवभारत समाचार डोईवाला से। इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग में भी की। मानवाधिकार आयोग ने भी नगरपालिका प्रशासन का जवाब तलब किया है और आज सारे ग्रामीण एकत्रित होकर के यहाँ पे ये कूड़ेदान का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर नगरपालिका प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आए थे, नगरपालिका अध्यक्ष आए थे और उन सब तीनों सभी के सामने ये बात तय हुई कि एक तो जितना कूड़ा ये फैल चुका है इसको और नहीं फैलने दिया जाएगा, इसको कम किया जाएगा। दूसरा, इस कूड़ेदान की जो है एक बाउंड्री की जाएगी और उससे बाहर जितना कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है उसको ये लोग वापस इसमें डालेंगे और धीरे धीरे इसको कम करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही है कि हर तीसरे दिन पूरे इलाके में गांव से लेकर के और कूड़ेदान तक जो है हर तीसरे दिन छिड़काव होगा, हफ्ते में 3 दिन छिड़काव होगा। और इसके अलावा इनको एक टाइम लिमिट दे दी गई है कि विद इन 5 to 6 months जो है ये पूरा कूड़ादान जो है यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। ये अल्टीमेटम हमने दिया है, देखते हैं इसको क्या होता है। और दूसरा, मानवाधिकार आयोग में ये चल ही रहा है और हमारी संघर्ष समिति का एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में ये ट्रेंचिंग ग्राउंड, ये कूड़ादान यहाँ से हटाया जाए। भैया काफी सालों से मांग कर रहे हैं लेकिन ये हटा ही नहीं रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि अभी 4 महीने 6 महीने 2 महीने ऐसे करके लटका रहे हैं तो अभी बहुत सारा दिक्कत आ रही है क्योंकि जब इधर से हवा चलते तो सारी बदबू घरों के अंदर जाती है और पूरी यहाँ की मक्खियाँ जितनी भी है वो सारे घरों में चली जाती है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे खड़ा रहना कितना मुश्किल है। तो सोच सकते हो कि अगर हम 24 घंटे अपने घर में रहते तो हमें कितनी मुश्किल होती होगी। यहीं पर से 100 मीटर दूर कुछ दूरी पर हमारा घर है तो कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे कूड़े फैलाए जा रहे हैं। रोड नहीं, यहाँ पे रोड डल गई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइल वगैरह जमा हो रखे हैं लेकिन हमारे घरों पे कोई रोड नहीं है। मांग यही करते हैं कि इसको बंद किया जाए और पब्लिक का ध्यान रखा जाए। इतनी परेशानी हो रही है जनता को लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।